Good morning with Sabi, brought to you by Bin Ehsan Builders and Developers. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम लोग बात कर रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम की और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्शीद अनवर, ऑर्थोपेडिक सर्जन। वेलकम अगेन डॉक्टर साहब, और एक सवाल आपके पास बिल्कुल रेडी है मेरे पास, और वो है लूपस किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? ये लूपस जो है एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है जो हमें ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से हम पे असरअंदाज होती है और हमारी पूरी बॉडी को मुतासर करती है। अब लूपस की फिर चार किस्में आगे आ जाती हैं। एक तो सबसे बड़ा जो खतरनाक है वो तो आपका सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, दूसरा आपका कुटेनस लूपस एरिथेमेटोसिस है, तीसरा ड्रग इंड्यूस्ड लूपस मेटोसिस है और चौथा न्यूनेटल लूपस एरिथेमेटोसिस है। अब इनके अंदर ये जो टाइप्स हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है जो कि हमारे हर बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करता है, ख़ास तौर पे हमारे किडनीज़ को और बाकी तमाम अज़ा के जिसमें लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, इन तमाम चीज़ों को ये बीमारी असरअंदाज होती है और हमें बुरी तरह से मुतासर करती है। अब यानी कि लूपस के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाज़ औक़ात आपको चेहरे पे तितली बनी हुई नज़र आएगी, तितली बनी हुई नज़र आएगी, उनके गाल के ऊपर तितली का निशान आएगा तो वो उसके अंदर तितली बनी हुई नजर आती है। तो बटरफ्लाई रैशेज उसके अंदर, बटरफ्लाई रैशेज। एक लेडी को इतनी तकलीफ है, उसके फ्रैक्टल जैसे बन रहे, इन्होंने इतना प्यारा नाम लिया है कि अगर वो किसी को डॉक्टर को बताएं डॉक्टर साहब मुझे ना ऐसे बुरे से पैचेस नहीं पड़ गए, एक तितली सी बन गई है, ऐसा कैसे? हाँ, मतलब तितली सी बनी हुई होती है बल्कि, और वो यानी कि बिल्कुल तितली की तरह आपको नजर आएगी और वो सन सेंसिटिविटी होती है यानी कि सूरज से उसके बड़ी यानी कि सेंसिटिव हो जाती है। इसी तरह आगे अगर चलेंगे तो उसको देखेंगे तो उसको थकावट महसूस होगी, वैसा थका महसूस होगा जैसे उसने 100 कपड़े धोए हुए या एक देख बुरियानी की बनाई हुई है। तो इस तरह से उसके जिस्म को तीसरा उसके अंदर बुखार रहेगा और 100 से ज़्यादा उसके अंदर बुखार महसूस होगा। चौथा आपको उसको आर्थराइटिस होगा, जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में स्टिफनेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी, उसका चलना फिरना ज़रा इसलिए मेरे से रेलेवेंट इसलिए है कि उसके अंदर चूँकि ज्वाइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है और सब कुछ है तो फिर इसलिए वो मेरे से एफिलिएटेड हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम लोग आर्थराइटिस की बात करें क्योंकि आप तो डॉक्टर ऑफ कोर्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो जो ये हड्डियों का ज़्यादा कमज़ोरी अगर आ जाए किसी भी इनिशियली बच्चों की बात करूँगी कि जो लोग बच्चे जब बाय बॉर्न होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ उनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और वो अलग से नज़र आते हैं, उनकी हड्डियाँ अलग से नज़र आने लगती हैं। क्या हम काउंट करते हैं कि उनका कहीं ना कहीं कोई वीकनेस रह गई है या उनका इम्यून सिस्टम इतना वो नहीं था स्ट्रॉन्ग कि उनको ये डिज़ीज़ ग्रूम अप हो गई? नहीं, सिर्फ इम्यून सिस्टम की तरफ ना जाए ना, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है ना, सिर्फ इम्यून सिस्टम की तरफ ना जाए। और हमारा जो लाइफ स्टाइल है जिसके अंदर हम यानी कि धूप हमें मिलती नहीं है, हम इस क्या नाम है इस फ्लैटों की ज़िंदगी के अंदर रहते हैं जो हमें देखने से भी हमारे घर में धूप नहीं आती, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना अफेक्टेड होते हैं। और धूप जो है हमारे लिए अल्लाह पाक ने एक बड़ी नेमत पैदा की है। मैं कहता हूँ अगर 15 मिनट की धूप रोजाना ले जाओ तो कम से कम उसकी विटामिन डी तो पूरी हो ही जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं या बड़े बड़े घरों में रहते हैं उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रांग, आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे और बिल्कुल एनर्जेटिक होंगे। और जबकि हमारे जो शहरी सांस भी नहीं फूलता, और हमारी जो शहरी जिंदगी के लोग हैं ना वो एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि नेचुरली बातें कर रहे हैं, हम लोग नेचर के करीब होकर बात करते हैं और ये हकीकत है शहरी जिंदगी में बड़ी हम लोगों की जो है ना, हम लोग बहुत जल्दी थकावट के शिकार हो जाते हैं, बहुत रेस्टलेट, लोग थोड़ा आराम कर ले, हर बात में थोड़ा सा थक गए तो सो जाए, कुछ लोग तो सोफे पे बैठे बैठे कहते हैं थोड़ी सी आंख लग जाए, हम लोग इतनी जल्दी थक जाते हैं। और यकीन करें जो एज कम्पेयर टू जो लोग ज़्यादा, चाहे वो शहर में रहते हों, मैं आपको क्लियर बताऊं, जो लोग ज़्यादा वॉक करते हैं उनके जिस्म में ज़्यादा दर्द नहीं होता, उनको भूख भी बहुत अच्छी लगती है और वो खाते भी बहुत अच्छा, उनका खाना भी हजम हो जाता है। हम जैसे लोग ज़्यादा हैवी खाना खाएं तो हमें एसिडिटी, ओह भारीपन, और ज़रा सा ज़्यादा काम कर लें थकावट। लेकिन जो लोग वॉक ज़्यादा करते हैं और अपनी डाइट का ख्याल करते हैं और जो घरेलू चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, उनकी हेल्थ बहुत ज़बरदस्त फिट रहती है। और हम देखें अगर आउट ऑफ सिटी में देखें, KPK में देखें, इस्लामाबाद एंड फ्रंटियर साइड, वो लोग वॉक ज़्यादा करते हैं और उनका जिस्म भी ज़्यादा बीमारियों का शिकार नहीं होता। अच्छा आपने देखा होगा हम लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहता है, हमारे प्रेशर पॉइंट पे वर्क रहता है, जैसे वॉक ज़्यादा करना जैसे कहते हैं, और आप सुबह सुबह की ताज़ा हवा लेना। हम अपने घर भी ऐसे बनाते हैं कि हमें इस बात का फोकस नहीं होता कि सूरज कहाँ से आएगा, हम बल्कि उल्टा सोच रखते हैं अरे हमारे घर में ना धूप नहीं आनी चाहिए। आप कभी नोट कीजिएगा कि यार यहाँ पे शेड लगा दो, यहाँ धूप बहुत अंदर आती है। और हमारे लिए धूप यकीन करो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, घर में जर्म्स नहीं आते। अगर आपको सुबह सुबह आपके घर के अंदर रोशनी जा रही है ना तो फ़ौरन अपनी विंडोज, अपनी खिड़कियाँ खोलें, आपको अंदर आपकी धूप लगनी चाहिए, किचन में ख़ास तौर पे लगनी चाहिए। लेकिन हम इन तमाम बातों को मद्देनज़र नहीं रखते और हम अपने घर को पैक करने की कोशिश करते हैं, और जैसे वो एग्जॉस्ट नहीं होता फिर हम अंदर ही अंदर, हमें नहीं पता हम अंदर से भी बीमार हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, ये धूप ना लगने की वजह से। जी डॉक्टर साहब, ये हमने अपने घर को और फ्लैटों को इतना कवर्ड अप कर लिया है कि आखिर में हमारे 4 भाइयों ने जिन्होंने उठा के लेके जाना है उसके लिए हमने जगह भी नहीं छोड़ी हुई इस हद तक, यानी कि तंग गलियाँ, तंग रास्ते इतने कर दिए गए हैं कि कुछ नहीं है। और कोशिश होता है कि गली का जितना ऐसा वो भी हम कवर करके अपने अंदर कर लें। बिल्कुल ठीक है। जैसे तो धूप जो है अल्लाह की बड़ी नेमत है, और अक्सर व बेशतर हमें ज़्यादातर केसेस बच्चों में तो ख़ासतौर पे रिकेट्स के मिलते हैं। रिकेट्स जो है विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है और धूप ना लगने की वजह से होता है, या वो बच्चे जो प्रॉपर दूध नहीं पीते या दूध से वो हिचकिचाते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। हमारे पास आते हैं, ये डॉक्टर साहब इसकी टाँगें टेढ़ी, ये लड़की ज़ात है, इसकी टाँगें सीधी होनी चाहिए, इसका ये सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, लड़की ज़ात। जोर क्या है? लड़की ज़ात पे है, लेकिन ये जोर नहीं है कि मुझे इसको लगानी है, इसको पुरफजा मकाम के अंदर रखना है, कुछ करना है, ये नहीं होगा, बल्कि वो इस तरह की बातें कर रहे होंगे। इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो करते हैं वो, मैं तो, लेकिन जो असल ज़रूरत चीज़ है ना उसकी डाइट है, उसकी प्रॉपर धूप है और उसकी कैल्शियम की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। और ज़रा से भी प्रॉब्लम होती है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि डॉक्टर उसको जजमेंट लेके कि क्या बाज़ों का कैल्शियम की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इतनी ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ पैदा कर देते हैं कि उसके अंदर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ जाता है, फिर उसकी टांगों को या दूसरी चीज़ों को सीधा करना पड़ता है, वो एक इलाज एक मरहला पर शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि जब कुदरत उसको ठीक कर रही है तो हम थोड़ी सी मेहनत के साथ उसको ठीक कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही, और मेरे जहन में आप जब बात कह रहे थे ना उसमें से एक बात निकलती है। इस जैसे इन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त टॉपिक सेलेक्ट किया कि इम्यून सिस्टम, आपको पता है कि इम्यून सिस्टम अगर वीक हो तो आफ्टर मैरिज चाहे मेल हो या फीमेल दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो उस पर परवाह नहीं की जाए तो मेंटली जो है इंसान साइकी भी हो सकता है, और वो बहुत जल्दी जो है ना वो जैसे गुस्सा करना और कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स कर देता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए बड़े नुकसान, लाइक ख़ुदकुशी की तरफ चले जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक वीकनेस है जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो बर्दाश्त, इनके फेस नहीं कर पा रहा लोगों को। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बड़ी काउंट करती हैं, यानी कि आपके अंदर इम्यून सिस्टम और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह। मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ मेरी इस बात में कितनी सदाकत है, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इम्यून सिस्टम की कमी की वजह से मैंने अभी आपको शुरू में कहा था, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। चिड़चिड़ापन होगा, मैंने कहा उसका ब्रेन इफेक्ट होता है, और जब ब्रेन इफेक्ट होगा तो वो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन बेजारी से शुरू हो जाएगी, एक बात। और अगर यानी कि उसके अंदर इस दौरान वो प्रेगनेंसी हो गई तो यानी कि वो प्रेगनेंसी कारआमद नहीं होती, तकरीबन रिपीटेड एबॉर्शंस होने शुरू हो जाते हैं, और यानी कि इसके ऊपर एक ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, सिर्फ इम्यून सिस्टम को अच्छा न रखने की वजह से। क्योंकि आपके अंदर जो जिद्दत पैदा होनी है बॉडी के अंदर, वो हाई वीक तो वो करे क्या, जो उसके नया मेहमान आ रहा है उसके लिए वो हम कर क्या रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारा आपके रहमो करम पे पड़ा हुआ है। जितनी अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा आराम करेंगे, हाइजीनिक वे के अंदर रहेंगे तो उतना ही उसके लिए बेहतर होगा, वो तो हम करते नहीं हैं। तो इसलिए वे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और प्रेगनेंसी भी इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती है ऐसे लोगों के अंदर, जो लोग वीक होते हैं। और अगर हो भी गई आखिरी तक तो उसके अंदर फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, मतलब सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया, सॉरी, यानी कि उसके अंदर इन्फेक्शन जो है अटैक कर, बैक्टीरिया और वायरसेस उस पर अटैक कर जाते हैं और उसकी बॉडी को तहस नहस करके रख देते हैं, और एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज आ जाती है जो उसको संभालना और देखना, उस पर मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मेरे साथ ही रहना और हम किचन की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके इस सेगमेंट को आप जो मैसेज अभी मुझे देंगे ना वो अपने एंड में रिपीट करना। अभी मुझे अच्छा सा हमारे नाज़रीन को मैसेज दें, लेकिन आप मेरे साथ रहेगा। मैं चाहती हूँ कि इस हमेशा से हम आपके साथ हैं, हमने कब आपको तनहा छोड़ा, आपने क्यों ये? अच्छा डॉक्टर साहब जी मेरे साथ, डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट के साथ रहे, आपका साथ बहुत प्यारा। और यकीन करें मैंने इतने सारे पेशेंट्स को जब बताया, मेरे अपने बाजू में जब दर्द था तो जब से मेरा इनसे मेरी बड़ी सिस्टर को प्रॉब्लम थी, उन्होंने इनका एक कांटेक्ट दिया, आज से 3 साल पुरानी बात है, वो एक खूबसूरत सा राब्ता बन गया। तो मेरी बहन बार बार कहती है, हमारी असल में फैमिली प्रॉब्लम थी, मेरी माँ को थी, अल्लाह उनको बख्शे, फिर मेरी बड़ी बहन को, फिर दूसरी बहन को, फिर लास्ट में मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे आखिर में हुई। तो मुझे हल्का सा कुछ टच करता था ना तो वो दर्द बहुत होता था, मैं बहुत इसके लिए फिजियोथेरेपी, यानी कि 6 महीने मैंने इस बाजू का दर्द बर्दाश्त किया। और मैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मुझे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। मेरी बड़ी मुश्किल से मैंने मैं सच बताऊँ, मैंने इनका जाके एक टोकन लिया एक दिन पहले, और वो लेके मेरे घर के नियरेस्ट था लकी वन के बैक साइड से, जब मैं घर रहती थी तो वहाँ पर इनका जो है वो एड्रेस क्या है आपका जो वो है उस साइड पे बाबा फिश के पास, वो क्या है अजीज़ाबाद इनका क्लिनिक है, और बड़ा मैं कहती हूँ इनका हॉस्पिटल बड़ा फेमस है उस हिसाब से कि वहाँ पर जो लोग जितनी तकलीफ में जाते हैं इनके पास सब इक्विपमेंट्स हैं, अल्ट्रासाउंड है या वो एक्सरे हैं, पूरे इक्विपमेंट्स हैं। जो लोग तकलीफ में जाते हैं ना वापस आते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, और ये वाकई में हकीकत है। मैं इतनी तकलीफ में गई थी और विद इन अ 5 मिनट नहीं लगे, और डॉक्टर साहब ने उसी वक्त मुझे कह दिया था अभी ठीक हो जाओगी। मैंने कहा 6 महीने से दर्द है, मैं अभी कैसे ठीक हो जाऊंगी? एक इंजेक्शन लगा था, और अल्लाह का करम है, मेरा रब का शुक्र, वो पेन मुझे विद इन अ 5 मिनट्स। और मैं बार बार घर जाके चेक करी थी, अल्लाह मैं बेलन पकड़ सकती हूँ, अल्लाह मैं फ्रिज खोल सकती हूँ, मैं कोई चीज़ पिक कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ पे ट्राई की थी, कभी बाजू आगे करती हूँ, मैं अपनी शर्ट नहीं उतार पा रही थी, मैं अपने बैक साइड पर बाजू नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं कहती हूँ दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे, मैं हमेशा की दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं और कितने लोगों को जो है अर्कुन निसा का दर्द हो, बैक पेन हो, बाजू का हो, किसी तरह का किसी को होता है ना, मुझे कॉल करते हैं यार सभी इनका डॉक्टर साहब का नंबर ज़रा लगवा दे। मैं डॉक्टर साहब कहते हैं बस तुम यही काम करती रहती हो, मैंने को क्या करूं। जब से मुझे रिलीव हुआ है मैं और को भी ताती हूँ, ताकि अल्लाह पाक पता नहीं किसकी डॉक्टर साहब दुआ लग जाए, किसकी दुआ लग जाए। जो अल्लाह पाक हुआ उसके बारे में सिर्फ यही कहूँगा, उसमें हमारी कोई दोष नहीं थी, सिर्फ अल्लाह की रजा यही थी। आए अल्लाह की रजा, सच बताऊँ मैंने कितने लोग हैं जो कुछ बाइक चलाते हैं, शुगर पेशेंट है, हैंडल नहीं पकड़ पा रहे थे, तो तो कहते हैं बाजू में दर्द है। मैंने कहा डॉक्टर साहब के पास जाएं, तो मैंने कहा मैं आपको नंबर वो करवा देती हूँ, आप चले जाओ ना, क्योंकि एक लाइन होती है कि वो होती है। तो मैं कितनी बार कितने पेशेंट इनकी तरफ रेकमेंड किए, सिर्फ बाखुदा मैं अपनी रोजी पे बैठी हुई हूँ इस जगह पर, सिर्फ किसी को रिलीव और इसकी दुआ के लिए, और कुछ भी ऐसा नहीं होता था। कितने लोगों ने मुझे कहा कि यार मेरी फैमिली कितने सारे, यार सभी यार एक काम करो ये मेरा ज़रा डॉक्टर साहब से कह दो, क्योंकि इतना आसान नहीं है इनके साथ अपॉइंटमेंट लेना। मैं सच कह रही हूँ, बहुत मुश्किल है। कम से कम आपको कम से कम एक दिन में आपने जाके पहले इनका नंबर लेना है, डॉक्टर साहब बड़े एक्सपेंसिव है, दूसरे दिन जो है वो इनसे मुलाकात होगी। लेट्स सी डॉक्टर साहब आपको अल्लाह सेहत दे, हमारे नाज़रीन को पैगाम दे, लेकिन अभी जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है। जी पैगाम दीजिए, हम फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं जब तक मंजिल ना मिले हिम्मत न हारना, क्योंकि पहाड़ से निकल वाली नदी रास्ते में किसी से ये नहीं पूछती कि समुंदर कितनी दूर है। रोना उसके सामने जो आंसुओं के दर्द को समझ सके, दुआएं लेना उससे जो दिल से दुआएं दे सके, और रिश्ता रखना उसके साथ जो रिश्ते की कदर कर सके। सर मैं दिल से आपकी कदर करती हूँ, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमेशा कितना दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह फिर कभी कुछ दर्द होगा कहाँ जाऊँगी। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि रहना है मेरे साथ। और जी हम लोग चलते हैं कहाँ पर, लेकिन मैं आपके लिए सोच रही हूँ या कौन सोच रहा है, यस बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए सोच रहे हैं अपनी ज़मीन पर अपना घर, क्योंकि सपना जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन आपने रजिस्ट्रेशन और बुकिंग करवानी कहाँ पर, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स स्पेशल पैकेज। और हमारे साथ है फहद एहसान साहब COO, और ये है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ज़बरदस्त मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आए, और आपके लिए पैगाम, ना सिर्फ पैगाम बल्कि आपके सपने पूरे करने के लिए आ गए हैं पूरे पाकिस्तान में एंड ओवरसीज पाकिस्तानी। आर यू रेडी? और फ़ौरन हैप्पी हो जाए, क्योंकि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पूरे करें आपके सपने। कैसे? अपना सपना अपना घर। अस्सलामुअलैकुम, मी साबी, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर, यस अब होंगे ख्वाब पूरे, क्योंकि लेकर आ रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके सपने पूरे करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से। और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए 3 साल पहले ऑन किया गया था, और जस्ट ओनली 2,40,000 में, सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। और इसके बाद कौन सा है, यस इनका एक फेज़ कंप्लीट हुआ, तो सेकंड फेज़ में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी से प्लीज़ 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 ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, ये ना हो कि ये भी मिस कर जाए। और वो है ग्रीन वैली, और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर आपने कैश पे लेना है तो जस्ट ऑनली 12 लाख, और अगर आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो 20 लाख में एक बड़ा घर, जिनकी सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। नाजरीन अगर हमने बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछनी है तो कौन बताएगा, यस COO इस वक्त मौजूद है फहद एहसान साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से माशाल्लाह। जब भी कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आसानियां, और उनके सपने हमेशा आप लोगों ने पूरे किए हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह का करम है और लोगों का एतमाद है हम पे, और ये एतमाद बनाने में हमें टाइम तो लगा, क्योंकि जब हमने बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 लॉन्च किया तो ये हुसैन मार्केटिंग ने किया था, और थीम ये रखी थी कि प्लॉट आप ख़रीदें पैसे हम देंगे, तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था। अगर उस वक्त आप मार्केट को देखें तो वहाँ 7.5 लाख रुपए के उस वक्त प्लॉट की कीमत थी। हमने लोगों की आसानी के लिए 2,40,000 में हमने वो प्लॉट दिया, तो बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आई लोगों की कि ये भाग जाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, 2,40,000 में कोई प्लॉट देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लोगों से उस वक्त वादा किया 3 साल में, वो हमने 2 साल में तकरीबन मुकम्मल किया, और इंशाअल्लाह ताला जनवरी से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सर मैं जब ये सुन रही हूँ कि 2,40,000 का प्लॉट, वो भी 120 यार्ड, मैं कहती हूँ इट्स you're surprised and you're shocking क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इतनी कम कीमत में प्लॉट अवेलेबल नहीं होते। ये कैसे थिंकिंग लेकर आए लोगों के लिए? देखें उस वक्त हमारा भी बैकग्राउंड जो था, हम भी जद्दी पुश्ती ज़मींदार नहीं थे। एक टाइम था कि जब वालदैन इन्वेस्ट करते थे प्लॉटों के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के हवाले से, तो हमने उनको देखा तो एक डर होता था कि पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जो प्लॉट उन्हें मिले उनसे उनको इन्वेस्टमेंट मिली जो हमारे काम आई, जिसको लेके हम आगे चले। लेकिन जो प्लॉट उनको नहीं मिल सके वो बड़ी नेगेटिव थिंग बनी लोगों के लिए, हमारे वालदैन के लिए। पर वहीं से हमने कहा कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंस्ट्रक्शन पे जोर दें, लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आएं और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन पे। जबरदस्त बिन एहसान आप लोगों के लिए लेकर आया ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट जो जस्ट ओनली जो था, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप लोगों को और 2,40,000 में प्लॉट, और अब एक और स्टेप आगे आ गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और वो क्या है, ग्रीन सिटी वैली के लिए। और सुनते हैं फहद साहब से कि ग्रीन सिटी वैली जो अपॉर्चुनिटी है 20 लाख एंड 12 लाख, इसमें क्या जो है डिफरेंस है और किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है? जी सर, ग्रीन सिटी वैली। देखें ग्रीन सिटी फेज़ 1 जो इस वक्त हमने ओवरसीज ब्लॉक खोला है, हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा डेवलप करें ना, ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाएं कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी वर्थ बने और बिल्डर की भी वर्थ बने। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने आपको मैंने बताया कि 2,40,000 हमने स्टार्ट लिया, आज वो प्लॉट 17 से 20 लाख 22 लाख के दरमियान में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अब हमने एक नया ब्लॉक खोला ओवरसीज के नाम से, ये हम बिल्कुल अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज रखी है। राउंड अबाउट हमने उसमें अच्छे खासे रखे हैं, रोड को हमने बड़ा कुशादा रखा है ताकि लोग, अब आप देख रहे हैं कि कराची कंजस्टेड होता जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कराची को फैलना था, आपके आगे फैलना था, लेकिन कराची फैला ऊपर की तरफ। तो ये जो M9 सुपर हाईवे इसकी एक वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से ओवरसीज ब्लॉक हमने ओपन किया एक अलग जाविये के साथ लेके, मार्केट को देखते हुए कि अगर कोई इसमें इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो हमने अभी कीमत रखी है उसकी 20 लाख के 3 साल के अरसे में वो 20 लाख में ले लें, और अगर वो कैश पे जाना चाह रहा है तो 12 लाख रुपए अदा करे और कंस्ट्रक्शन पे आए। कि इतने सारा एक हजूम है, बहुत सारे लोग प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट में लोग या आपके बिन एहसान के नाम में क्यों साथ ज्वाइन हो? क्या ऐसी अट्रैक्शन है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में? जहां आपको सेफ चीज मिल रही हो वहां पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। बिन एहसान की पहले दिन से, शुरुआत से लेके आज तक हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी NOCs प्रॉपर होती हैं ताकि अगर आप वहाँ पे काम करें। आप देखें जब आप कोई चीज़ ले रही होती है तो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी ज़मीन ली हमारे अपने नाम पे, हमारी जो NOCs हैं वो सारे हमारे अपने नाम पे, बिन एहसान के नाम पे हैं। अब अगला मरहला आता है लोगों को डिलीवर करने का, तो ईजी वे में आप उनको डिलीवर करें, उनको उनकी पोजीशन दें। तो जब लोगों को पोजीशन मिल रही होती है तो लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। लोगों को एक अच्छी टाउन प्लानिंग चाहिए, अगर आप अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ लोगों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। ओके, आप लास्ट में ये कहूँगी कि अपने नाजरीन को दे दीजिए मैसेज, क्योंकि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। इस वक्त हम ग्रीन वैली को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि लॉन्च हम तकरीबन कर चुके हैं। हम जो हमारे 2,40,000 में लोग फ़ायदा ना उठा सके या कम से कम रेट में ना फ़ायदा उठा सके तो वो आएँ, हमारे ऑफिस विज़िट करें जो गुलिस्तान-ए-जौहर में हेड ऑफिस है, गुलशन राशिद मिनाज रोड पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे डीलर हजरात बैठे हुए बिन एहसान का। जहां आपको नाम मिले आएँ, लोग विज़िट करें, साइट को विज़िट करें, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि साइट को देखें वहाँ हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली में दो अच्छे मौके हैं लोगों के लिए कि जो लोग 2,40,000 में हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो सके वो आएँ, 12 लाख में ज्वाइन हो, 5,95,000 में ज्वाइन हो। आप आएँ, चीज़ों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करें, जो हमने वहाँ डेवलपमेंट की, जो टाउन प्लानिंग की उसको देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फैसला करें। Good morning with Sabi, brought to you by Bin Ehsan Builders and Developers.